ऑफ क्लैंस के रश दैट फिक्स सीरीज के एक और एपिसोड में। तो ये एपिसोड नंबर 3 है ये सीरीज में, ना आप सभी का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू रहने वाली है। तो हम वापस आ चुके अपने रश बेस के ऊपर, एंड चलो एक बार अपग्रेड बेस में सेट कर लेता हूँ। देयर इट इज द अपग्रेड बेस। अब अपन यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले, बिकॉज वी हैव सम लूट, वी हैव ऑलमोस्ट हियर टू क्लैन गेम रिवॉर्ड्स भी आ गए, एंड मेरे सीसी के अंदर थोड़ा लूट पड़ा है, कलेक्ट कर लेता हूँ। सो थोड़े और रिसोर्सेज अपने को मिल गए, तो अब अपन को बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करनी है। एंड सबसे पहले क्लैन गेम को क्लेम करते हैं, उसके बाद देखते हैं अपन क्या कुछ अपग्रेड कर पाएंगे एंड ऑल। सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड आ रहा है, जेम्स आ रहा है, एंड जेम्स ऑलरेडी यार इस अकाउंट में 6000 पड़े हैं। सो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग विद द गोल्ड, बिकॉज 20 जेम मेरे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, रश अकाउंट है। एंड यहाँ पर अब आ रहा है 6000 डार्क, जो कि मैं एक अटैक में ही लूट सकता हूँ, बट यहाँ पर शोवल है तो 50 जेम्स उसके लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं रिसोर्सेज नहीं ले रहा। यहाँ हीरो पोशन है, तो हीरो पोशन यार वॉर वगैरह में इसको फार्म करेंगे तो काम में आने वाला है। अब यहाँ पर एक बिल्डर पोशन मिलने वाला है, गोल्ड मिलने वाला है, डार्क इलिक्सर मिलने वाला है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 1,13,000 डार्क इलिक्सर ऑलरेडी। एंड बिल्डर पोशन मतलब बोले तो 10 घंटे काम जल्दी कर देना, बट यहाँ पर अपन इतना ज़्यादा फार्म करते नहीं है कि बिल्डर पोशन की जरूरत पड़े। सो माई डिसीजन इज विथ डार्क इलिक्सर, आई एम जस्ट टेकिंग डार्क इलिक्सर ओवर हियर। एंड गोल्ड ले लिया एक में, एक में डार्क इलिक्सर ले लिया, अब आगे रिसर्च पोशन है और इलिक्सर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलिक्सर से आई थिंक आई कैन अपग्रेड ओनली वॉल्स और वेट। लेबोरेटरी चेक करते एक बार, लैब के अंदर इलिक्सर का कुछ अपग्रेड बचा है क्या? तो यहाँ पर आप देखोगे तो इलिक्सर का अपग्रेड है ही नहीं लैब में। सो आई डोंट नीड दैट मच इलिक्सर गाइज, आई नीड डार्क इलिक्सर ऑफ कोर्स, आई नीड टू अपग्रेड माई गोलम टू अ 1 लेवल, आई नीड टू अपग्रेड माई स्पेल्स, डार्क स्पेल्स एंड ऑल। एंड इलिक्सर से केवल मैं सीट मशीन को मैक्स कर सकता हूँ, जो मैं कर दूंगा, एक एक लेवल अप करना है, तो इलिक्सर अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक वॉल रिंग है, तो वॉल रिंग इट्स मे बी अ मच बेटर वैल्यू आई थिंक। वॉल रिंग मेरी 8 वॉल्स को अपग्रेड कर देगा, तो यहाँ पर तो ये काम का है। अब ऑफकोर्स आई एम जस्ट टेकिंग अ बुक ऑफ हीरो फ्रॉम हियर, तो क्लेम कर लेते हैं। तो ये सब कुछ अपन ने ये अपग्रेड के हिसाब से देख करके मैंने क्लैन गेम रिवॉर्ड को क्लेम किया, एंड अब सीसी के अंदर थोड़ा बहुत और लूट होगा उसको भी क्लेम कर लेते हैं। तो वी हैव इनफ गोल्ड, वी हैव लॉट्स ऑफ इलिक्सर, वी हैव डार्क इलिक्सर, बट पहले अपन एक अटैक करते, थोड़ा सा अपना आर्मी को और पुश करते, मतलब आर्मी मतलब कुल मिला के लूट को, एंड फिर अपन कुछ ना कुछ करेंगे, एंड आईडी लीग में भी आ जाएगी। एक अच्छा सा लूट बेस ढूंढते जिसपे काफ़ी एक अच्छा मोटा अमाउंट में अपन को इलिक्सर गोल्ड मिल पाए, और उसके बाद 1 मिलियन प्लस मेरे पास गोल्ड भी हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड उसके बाद अपन आग लगा ही देंगे, ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करेंगे। एंड लास्ट CWL ये वाली आईडी खेली नहीं थी, बट इस बार खेलाऊंगा। लास्ट बार गलती हो गई थी यार, किसी और क्लैन में मैं डोनेशन के लिए आईडी लेके गया था और वहीं पर ले लिया, फिर ऑफकोर्स चैंप क्लैन था तो ये खेल भी नहीं सकती थी, तो बुरा लगा, बट कोई बात नहीं, वो सब गलती वाइट हेड की थी, कमेंट में आप बोल सकते हो वाइट हेड को। बाकी चलो यार अपन यार लूट, यार आई नीड 8 लेक लूट, कम ऑन। और बेस भी इजी हो जो अपन इजीली 3 कर दे, तो 6 लाख मिल रहा है, 6000 डार्क कलेक्शन मिल रहा है, आई नीड 8, कम ऑन यार, 8 लाख लूट नहीं मिलती ना जब तक पेट हजम नहीं होता यार, मतलब नहीं यार, एक अटैक करेगी 8 लाख लूट तो लेकर के जाएंगे ना यार, और 1 मिलियन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता, बट वो मिलती बड़ी मुश्किल से है। अब मुश्किल है नामुमकिन नहीं, करेंगे ट्राई, करेंगे कीप ट्राइंग, नेक्स्ट कर रहे। 7 लाख, 3 लाख, मतलब यार गजब बेइज्जती। अब तो भाई 11,000 डार्क इलिक्सर काफ़ी अच्छा था उस बेस पे, बट अपन को इतना डार्क चाहिए भी नहीं। वैसे मेरे हीरो लो लेवल है, उनको अपग्रेड करने में अभी मेरे को धीरे धीरे टाइम लग रहा है, तो हीरोज वगैरह अपन अपग्रेड कर रहे हैं, एंड काफ़ी कुछ चल रहा है यार। सो कम ऑन बेस मिल जा, चलो यार ये बेस वाला पार्ट हम कर लेते, एक काम करता हूँ मैं स्किप कर लेता हूँ, सीधा बेस के ऊपर मिलते हैं अपन। फाइनली वी फाउंड अ डेड बेस ऑफ टाउन हॉल 14, एंड 7 लाख, 6 लाख, 7000 इज इनफ फॉर मी, एंड अपन इसको इजीली 3 भी कर लेंगे। वैसे 14 है, इसके इन्फर्नो काम नहीं करने वाले, इसके स्कैटर शॉट काम नहीं करने वाले, इसकी ईगल काम नहीं करने वाली, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए पर्टिकुलरली थोड़ा इजी होने वाला है। यहाँ पर किंग क्वीन आएंगे, यहाँ से सारे के सारे सुपर ड्रैगन्स आ जाएंगे, यहाँ से सारे के सारे लून्स आ जाएंगे, यहाँ ग्रैंड वार्डन आ जाएगा, यहाँ ब्लिम्प आ जाएगी। एवरीथिंग इज डन, लेट मी यूज़ द वार्डन एबिलिटी विद डबल रेज। तो अभी तक सब सही है, सेंटर में यहाँ पे कोई टारगेट इतना है नहीं, तो मैं केवल एक फ्रीज करूँगा, आई थिंक उससे काम हो जाना चाहिए। और ये पीछे साइड में भी यार यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो एक और फ्रीज वहाँ कर देते हैं। एंड टाउन हॉल में भी अब मिल ही जाएगा, स्प्लिट डैमेज ही टाउन हॉल को ले लेंगे। सो एक रेज यहाँ, एक रेज यहाँ, और ख़त्म है, मतलब कुछ है नहीं ऐसा बेस में जो ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला है मेरे को। एंड यहीं से अपन डाल लेते रॉयल चैम्पियन क्वीन, मतलब एवरीथिंग। सो यहाँ एक फ्रीज कर देते ताकि ये स्वीपर थोड़ा धक्का ना दे और हमारे ट्रुप वगैरह आगे की तरफ चले जाए।
एंड देन इट इज वी विल यूजिंग द दिस एंड पॉइजन डन. अभी एक फ्रीज बचा हुआ है, क्वीन का एबिलिटी बचा हुआ है एंड बेस में ज़्यादा कुछ है नहीं. सो ऑफकोर्स यार डेड बेस है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बट ठीक है. जैसे मैंने रिस्टार्ट किया वीडियो, मतलब लाइक 2 मिनट में मेरे को बेस मिल गया, सो इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ. यहाँ एक और फ्रीज कर लेते, जो कुछ डैमेज दे रहा है वो भी ना देगा. एंड डन, यहाँ पर क्वीन का एबिलिटी दे देते और ये बेस अपन ने ऑलमोस्ट कर दिया है क्रश. कुछ बचा है नहीं बेस में और जो लूट था अपन ने काफी अच्छे से गेन कर लिया है. एंड ऑलमोस्ट 1,45,000 डार्क एलिक्सियर हो चुका है हमारे पास, तो वो एक मेरे लिए अच्छी चीज है. एंड चलो इट इज यू कैन डू इट, सो नाइस. और एलिक्सियर आर्मी में बनाऊंगा तो मेरे को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलिक्सियर में भी मेरे इन्वेस्ट होने वाले वॉल्स वगैरह पे, सो इतना नहीं है. अभी मेरे को आर्मी भी कुक करना है. 5, 6, 7, 8 एंड 8 बेलून्स, 8, 8, एक सुपर गोब्लिन, एक नॉर्मल आर्चर, एक विजर्ड, एक मिनियन और बोले तो एक बिबी ड्रैगन. और ये अपना आर्मी हो गया, तो ठीक है ये माइनस करके ये कुक हुआ हुआ ले लेते हैं. सो डन, अभी स्पेल वगैरह कुक कर लेता हूँ मैं. अभी अगला अटैक तो बाद में ही होगा और थोड़ा लूट ले लेते हैं. एंड अब अपने पास हो चुका है सब कुछ जो अपन अब अपग्रेड पे डालने वाले हैं. एंड अब देखते हैं क्या क्या सजेशन आ रहा है. आई कैन अपग्रेड कैनन, आई कैन अपग्रेड मोटार्स. मोटार और 2 कैनन काफ़ी लो है, सो ये वाले कैनन है ये काफ़ी लो है, तो मैं ये 1 कैनन अपग्रेड पे डालने वाला हूँ ऑफकोर्स फॉर श्योर. सो 1 कैनन अपग्रेड पे गया. एंड लेट मी सी द हीरोज. 1,44,000 में क्वीन अपग्रेड हो रही है, किंग 45 का है 1 लैख. एंड वेट लेट मी सी, आई हैव अ बुक ऑफ हीरो. अपने पास बुक ऑफ हीरो है, मेडल इतने नहीं है, तो अपन एक लेवल क्वीन को अप कर सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल. एंड आरसी के लिए ज़्यादा मांग रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, एक लेवल क्वीन को अपन अपग्रेड कर लेते हैं. लेट मी जस्ट गिविंग द बुक. 49 लेवल की क्वीन हो चुकी है, एक लेवल बाद 50 टच कर लेगी क्वीन भी अपने रश अकाउंट में, ये भी बढ़िया है. वी हैव लॉट्स ऑफ एलिक्सर एंड लैब अभी खाली पड़ा है. एंड क्या हमारे पास कोई हैमर वगैरह है जिससे अपन कुछ कर पाए? हैमर तो नहीं है, बट इतना डार्क एलिक्सर चाहिए और डार्क रून यहाँ पर है क्या अपने पास? आई मिस्टेक कर दिया आई थिंक. मैंने डार्क रून नहीं लिया या क्या? रून ऑफ एलिक्सर था आई थिंक, रून ऑफ डार्क नहीं था इस वाले क्लैन गेम में. मैं थोड़ा कंफ्यूज ही हो गया यार, मेरे को लगा मैंने ये क्या कर दिया. तो ठीक है, अभी यहाँ कुछ अपन अपग्रेड डाल नहीं सकते. वी हैव लॉट्स ऑफ वॉल रिंग आई थिंक, वी हैव ऑलमोस्ट 8 वॉल रिंग्स. सो अपन क्या करने वाले हैं, ये भी एक में ही अपग्रेड होने वाली है, ये भी एक में ही अपग्रेड होने वाली है. तो ये कॉर्नर से मैं यहाँ पर 8 वॉल्स को अपग्रेड कर दूंगा विथ 1-1-1 वॉल रिंग. तो ये काफ़ी एक अच्छा अमाउंट में अपने वॉल मैक्स कर देगी वॉल रिंग, तो इसीलिए ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को वॉल भी अपग्रेड करनी है. और एक एक ही लेता है तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि एक एक तो अपन दे ही सकते हैं, वॉल रिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब वॉल रिंग नहीं है अपने पास. अब वी हैव एन एलिक्सर्स. एलिक्सर से मैं आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि अपन अपना सिट मशीन अपग्रेड पर डाल दे, क्योंकि डार्क एलिक्सर होने में अभी तो टाइम लगेगा, तो अपन सिट मशीन अपग्रेड पर डाल देंगे. तो मेरे को एलिक्सर यहाँ पर बचाने पड़ेगा. अब थोड़ा सा जो गोल्ड बचा हुआ है ना, तो वो अपन अपग्रेड पे डालते हैं. गोल्ड से अपन यहाँ पर ट्रैप वगैरह कर सकते हैं क्या कुछ अपग्रेड? लाइक नहीं, ये तो सब मैक्स है. इसमें ट्रैप मैक्स हुए हुए गाइस, लॉल. तो मतलब अपन ट्रैप भी नहीं लगा सकते और मतलब कुछ गोल्ड से कर ही नहीं सकते. वी कांट डू एनीथिंग, लॉल. नाइस, चलो कोई बात नहीं. तो ये लीक के अंदर भी आ गया, एक स्टार बोनस भी अपने को मिलने वाला है. तो फाइनली दैट इज इट फॉर द रश टू मैक्स सीरीज. अपन ने जो भी किया, अटैक किया, लूटा भी, मैं और अटैक्स करने वाला हूँ. वॉर्स में ये खेल रहा है अकाउंट, वॉर में प्ले करा रहा हूँ. हीरो एक लेवल अप कर दिया, 49 तक ले गए क्वीन को. वार्डन ऑलरेडी मैक्स पड़ा है, तो बाकी आगे करेंगे अपन और भी अपग्रेड आने वाले एपिसोड्स में. आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल में आगे. So that wraps up our video for this update. Please tap the like and subscribe buttons and please leave a comment below. We actually do read your comments and they do help us make future videos. As always, thanks for joining us.